हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूके वीडियो वर्ल्ड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुमाऊं के एक बेहद खूबसूरत स्थल के बारे में विस्तृत जानकारी। जी हां, हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो है मुनस्यारी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। मुनस्यारी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बसा एक बेहद खूबसूरत स्थल है, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण, जंगलों के मनमोहक प्रस्तुति और ऊंचे पहाड़ों की चोटियों के खूबसूरत नज़ारों की वजह से इसे मिनी कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है और यह उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल है। यह दर्शनीय हिल स्टेशन समुद्र तल से 2298 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मुनस्यारी का शाब्दिक अर्थ होता है बर्फ से ढकी जगह। मुनस्यारी बर्फ से ढकी उच्च हिमालय पर्वतमाला के बेहद अद्भुत दृश्य प्रदान करता है। अब अगर बात करें मुनस्यारी के एक बेहद प्रमुख आकर्षण की, तो वो है पंचाचूली। पंचाचूली 5 चोटियों का एक समूह है। इसके अलावा यहाँ से नंदाकोट, नंदा देवी जैसी पर्वत श्रृंखलाओं के भी अद्भुत दृश्य देखे जा सकते हैं। मुनस्यारी अपनी खूबसूरती और ट्रैकिंग के लिए सिर्फ उत्तराखंड या भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। कई सारे विदेशी सैलानी भी यहाँ पर आना पसंद करते हैं। मुनस्यारी अब एक लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेस के रूप में उभर रहा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर आप मुनस्यारी जाते हैं तो वहाँ पर आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। एक्टिविटीज इन मुनस्यारी। फर्स्ट, ट्रैकिंग। मुनस्यारी कुमाऊं हिमालय के इनर रीजन्स के लॉन्ग और शॉर्ट ट्रैक का बेस कैंप है। मिलम ग्लेशियर, नामी ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर के लिए ट्रैक मुनस्यारी में शुरू होता है। तो मुनस्यारी माउंटेनियर्स के लिए, ट्रैकर्स और नेचर लवर्स के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और ट्रैकिंग सीजन के टाइम पे ट्रैकर्स और माउंटेनियर्स यहाँ पर आना पसंद करते हैं। बर्ड वॉचिंग। मुनस्यारी पाइन, देवदार, रोडोडेंड्रन जैसे वृक्षों के घने जंगलों से घिरा हुआ है और यहाँ पर कई सारे प्रवासी प्रजाति के पक्षी जैसे रैवन, हिमालय ग्रिफॉन, फाल्कन, सर्पेंट, ईगल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप बर्ड वॉचिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो फिर मुनस्यारी आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। गांव भ्रमण। मुनस्यारी अपनी प्राचीन प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाने जाने वाला एक मनमोहक स्थान है, जो बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों का अद्भुत दृश्य प्रदान करता है। और अगर आप किसी गांव को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए एकदम सही जगह ये साबित होगी। यहाँ पर आकर आप किसी गांव में भ्रमण कर सकते हैं, वहाँ के रीति रिवाजों और संस्कृति को और भी ज़्यादा करीब से जान सकते हैं। शॉपिंग। अगर आप शॉपिंग फ्रीक हैं और आपको लग रहा है कि शायद एक पहाड़ी एरिया में जाकर आप उतनी शॉपिंग नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप सही नहीं हो, क्योंकि मुनस्यारी के मार्केट में आपको शॉपिंग करने का भी अच्छा खासा मौका मिल जाएगा। यहाँ से आप काफ़ी शानदार चीज़ें खरीद कर अपने घर ले जा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर हाथ से बुने हुए शानदार कालीन और हिमालय के जो पेड़ों की सैपलिंग है उनको भी जो है खरीद सकते हैं। इसके अलावा भी मुनस्यारी के मार्केट्स में आपको कुछ यूनिक चीज़ें देखने को मिलेंगी और उनको भी आप जो है खरीद कर अपने घर ले जा सकते हैं। मुनस्यारी घूमने का सबसे अच्छा टाइम क्या है? बेस्ट टाइम टू विजिट मुनस्यारी। वैसे तो आप साल भर में मुनस्यारी कभी भी जा सकते हैं, हालांकि जब मानसून सीजन होता है उस टाइम पे थोड़ा लैंडस्लाइडिंग वगैरह की वजह से जो है रास्ते खराब हुए रहते हैं, लेकिन अगर हम बेस्ट टाइम की बात करें तो फिर वो मार्च से अक्टूबर के बीच का होता है। मार्च से अप्रैल के दौरान यहाँ पर जो रोडोडेंड्रन के ट्रीज होते हैं उनके फूल खिलने के कारण जो है पूरा जो फॉरेस्ट एरिया होता है वो लाल रंग में रंगा हुआ सा नज़र आता है और इसकी खूबसूरती जो है ना वो देखते ही बनती है। तो अगर आप मुनस्यारी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो
तो फिर आप मार्च से अक्टूबर के बीच में जो है कभी भी यहाँ पर जा सकते हैं। वैसे इसके अलावा लोग स्नोफॉल देखने के लिए भी बाकी के जो अदर मंथ्स हैं उनमें भी मुनस्यारी में आते हैं, तो आप अपने पसंद के हिसाब से जो है मुनस्यारी में किसी भी मंथ में जा सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट टाइम है वो मार्च से लेकर के अक्टूबर के बीच का है। मुनस्यारी यात्रा के दौरान आपको किन बातों का ध्यान जो है रखना चाहिए, तो सबसे पहली जो बात आती है वो यही आती है कि आप कौन से टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे अगर आप मॉनसून सीज़न में ट्रैवल करने का प्लान बना रहे हैं तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी होगी कि लैंडस्लाइडिंग और जो क्लाउड बर्स्ट होते हैं उसके कारण मॉनसून में ट्रैवल करना यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और मॉनसून सीज़न में अगर आप किसी भी हिली एरिया में ट्रैवल करना चाहते हैं तो फिर वहाँ का जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होगा वहाँ से आपको वेदर और जो भी रोड्स हैं उनकी जो भी स्थिति है उसके बारे में पता कर लेना चाहिए। दूसरी बात आती है वहाँ पर रहने के लिए होटल, तो इस बात का आपको ध्यान देना होगा कि मुनस्यारी जो एक छोटा सा टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पे होटल जो हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है, लिमिटेड ही यहाँ पर होटल्स आपको मिलेंगे और वो भी जो है पीक सीज़न के दौरान ज़्यादातर फुल हो जाते हैं। तो इसलिए अगर पॉसिबल हो तो आपको अपने स्टे के लिए रूम जो है पहले से ही बुक कर लेना चाहिए ताकि वहाँ पहुँच कर आपको इस तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा अगर आप व्हीकल लेकर जो है मुनस्यारी में ट्रैवल कर रहे हैं तो अच्छा ये होगा कि आप देख लें आपके व्हीकल में जो फ्यूल है वो पर्याप्त मात्रा में हो। उसके अलावा अगर आप अपने साथ में कैश कैरी कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे जो है ज़्यादा एटीएम नहीं है, तो जितना भी पर्याप्त आपके लिए कैश है वो आपको रख लेना चाहिए क्योंकि कभी कभी जो एटीएम यहाँ पे हैं भी वो आउट ऑफ कैश हो जाते हैं। हालांकि आजकल सभी जगह कैशलेस ट्रांजेक्शन की सुविधा मौजूद है तो इसमें इतनी बड़ी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बात हुई कि किन बातों का आपको ट्रैवलिंग करते टाइम ध्यान देना चाहिए। इसके बाद बात आती है मुनस्यारी में आप कहाँ पर स्टे कर सकते हैं, कहाँ पर आप रुक सकते हैं। मुनस्यारी क्या है कि एक बहुत पॉपुलर ट्रैकिंग बेस कैंप है जिसके कारण यहाँ पर रुकने के जो आवास के कुछ विकल्प मौजूद हैं। लिमिटेड एमिनिटीज़ के साथ आपको यहाँ पर बजट गेस्ट हाउस मिल जाएंगे और कैंपिंग इक्विपमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप मुनस्यारी में कैंप भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मुनस्यारी के फूड की, मुनस्यारी फूड गाइड। तो यहाँ पे आपको कुछ रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे जहाँ पर आपको नॉर्थ इंडियन कुजीन और चाइनीज़ फूड जैसे मोमोज नूडल्स मिल जाएगा, लेकिन अगर आप मुनस्यारी जाकर कुछ यूनिक और जायकेदार डिशेस का आनंद लेना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ के जो लोकल फूड है उसका रुख करना चाहिए। जैसे यहाँ पर कई सारे लोकल ढाबे होते हैं जहाँ पर आपको ऑथेंटिक कुमाऊनी खाना खाने को मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर जो यहाँ का लोकल फूड है उसे एंजॉय करना बिल्कुल ना भूलें। माइथोलॉजी अबाउट मुनस्यारी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य महाभारत के पांडवों ने मुनस्यारी से स्वर्ग की अपनी अंतिम यात्रा शुरू की थी। कहा जाता है कि पंचचूली की जो पांच विशाल चोटियां हैं वो उन पांच चूलों को रिप्रेजेंट करती हैं जहां द्रौपदी ने अपने पांच पतियों के लिए आखिरी भोजन पकाया। मुनस्यारी टूरिस्ट के बीच में एक हिल स्टेशन और ट्रैकिंग डेस्टिनेशन के रूप में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। मुनस्यारी में लोग अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ सोलो या ग्रुप में ट्रैवल करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फॉरेनर्स भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में पहुँचते हैं। मुनस्यारी निम्न एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन है जैसे कि एडवेंचर, ट्रैकिंग, बेस कैंप एज अ हिल स्टेशन और एक एमर्जिंग डेस्टिनेशन, उभरते हुए डेस्टिनेशन के रूप में ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में अब पॉपुलर हो चुका है। अब बात आती है मुनस्यारी आप कैसे पहुँच सकते हैं, हाउ टू रीच मुनस्यारी। तो मुनस्यारी का जो निकटतम हवाई अड्डा है वो पंतनगर हवाई अड्डा है जो यहाँ से 336 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और अगर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की हम बात करें तो वो टनकपुर रेलवे स्टेशन है जो यहाँ से 273 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बस या टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी। अब बात आती है मुनस्यारी पहुंचकर आप किन किन जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन मुनस्यारी।
मुनशियारी से हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग के लिए ग्लेशियर्स जैसे मिलम नामिक की ट्रैकिंग स्टार्ट होती है और ये नंदा देवी का बेस कैंप भी है। मुनशियारी के आसपास के जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पर लंबे लंबे ट्रैक हैं जहाँ पर आप ट्रैकिंग का आनंद ले सकते हैं और ट्रैकिंग के साथ ही आप यहाँ पर अखरोट, भोजपत्र, जूनिपर और रोडोडेंड्रन के वृक्षों को भी देख सकते हैं और नेचर को और भी ज़्यादा करीब से देख और जान सकते हैं। साथ ही यहाँ पर कई सारे बुग्याल भी पाए जाते हैं। हरे भरे उच्च ऊंचाई वाले घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। मुनशियारी में स्कीइंग और विंटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए खलिया टॉप और बेतुली धार को भी डेवलप किया गया है। मुनशियारी में वैसे तो बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट आपको मिलेंगे लेकिन उनमें से कुछ जो हैं बेहद प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट हैं जहां पर आपको ज़रूर जाना चाहिए और वहां पर जाकर आप नेचर के करीब रहकर अपना कुछ टाइम जो है स्पेंड कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं मुनशियारी में ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर आपको यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। बर्थी वाटरफॉल, पंचाचूली पीक्स, मधकोट गांव, बेतुली धार, दरकोट, महेश्वरी कुंड या मेसर कुंड के नाम से भी इसे जाना जाता है, नंदा देवी टेम्पल, कालामुनि मंदिर, थामरी कुंड या थामरी कुंड, ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम, नारायण आश्रम, धारचूला, बालंती पोटैटो फार्म। तो ये हैं मुनशियारी के कुछ फेमस टूरिस्ट स्पॉट। इसके अलावा भी मुनशियारी में कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट हैं या कभी अगर आप मुनशियारी गए हो और आपने इनके अलावा वहाँ और टूरिस्ट स्पॉट्स को एक्सप्लोर किया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मुनशियारी में आपको क्या पसंद है, तो अगर आप भी एडवेंचर लवर हैं या आप ट्रैकिंग का शौक रखते हैं तो मुनशियारी आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन साबित होगी। उसके अलावा नेचर लवर्स के लिए भी मुनशियारी एकदम परफेक्ट है और इसके अलावा यहाँ पर स्नोफॉल का आनंद भी लिया जा सकता है। तो ये था आज की वीडियो जिसमें हमने मुनशियारी से जुड़ी कुछ बातें आपको बताई। इसके अलावा यहाँ के जितने भी बेस्ट प्लेसेस हैं, बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट हैं, उनके बारे में भी विस्तारपूर्वक हम अपनी दूसरी वीडियो में बताएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी इन डेस्टिनेशंस में से किसी डेस्टिनेशन में गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो में किस जगह के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। हम कोशिश करेंगे कि उस जगह के बारे में हम आपको जानकारी दे पाएँ। तो चलिए, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल यूके वीडियो वर्ल्ड को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।